लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मंतशा, तुम जायरत को लेकर मुझ पर शक कर रही हो, उस भाई पर जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। छोड़िए भाईजान, ये सब तो कहने की बात है। मंतशा यार, तुम्हें क्या हो गया? आज मेरी आंखें खुल गई। ये जो आप करना चाहते हैं ना, सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हैं ना, ये मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? खुद इनकार तो नहीं किया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है, और उसका सबूत भी है मेरे पास। आपने मुझसे बिना बताए, बिना पूछे ये सब क्या करने की कोशिश की है? देखो मंतशा, मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने ये किया। देखिए खैर, आपकी जो भी मजबूरी हो मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि इस जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है और मुझे मेरा हक चाहिए, और अगर आपने मेरा हक नहीं दिया तो क्या कर लोगे तुम? वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या? केस, वो भी आपके ऊपर। Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What a question, ताहा। ये ऑफिस मेरी है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल तो तुम अपना बहला रहे हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल साबित करके। यू नो ताहा, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नामुमकिन है ही नहीं। हो भी नहीं सकता, तुम जैसे लोग सिर्फ अपना मकसद पूरा करना जानते हैं बस। गलत, रॉन्ग। मैं हमेशा अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता हूँ, उनका ख्याल करता हूँ। जस्ट एन एग्जांपल। हाँ जी, बताइए इन्हें। सर, आपने तो हमारी मांगे पूरी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज सुबह जब मैं कैबिन में गया तो हरी साहब ने हम लोगों की सैलरी बढ़ा दी। हारी साहब सही में फरिश्ता है। सुन लिया, देखा तुमने मुझे मजदूरों की कितनी फिक्र है। अब जाइए, जाके ये खुशखबरी और मजदूरों को दे दीजिए। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? तहा, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हारिस हूं। अलबत्ता तुम साबित जरूर करना चाहते हो कि तुम इस जायदाद के वारिस हो। जब रफ्तार तेज होती है इंसान बेकाबू हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। संभल के रहना, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन बेकाबू होने वालों में से मैं नहीं। And for your information, मैंने ऑफिस का चार्ज ले लिया। आज से यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये पकड़ो। सब अच्छे से प्रेस होने चाहिए, और अगर जले तो वरना प्यारे तेरी नौकरी गई।
आप कब आए? मंतशा, तुम्हें तो शहनशाहों के जमाने में होना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी तानाशाही देख के तो ऐसे ही लगता है। अरे वो ये प्यारे है ना, ये खुद कहीं और होता है और इसका दिमाग कहीं और बस ऐसे ही गलतियां करता रहता है और नुकसान हमें उठाना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है। जी? ये आप कहना बंद कर दो। हाँ? याद आप? आप जी वो वैसे मेरा नाम इतना भी बुरा नहीं। नहीं वो बात नहीं है। अच्छा शादाब जी। एक्सक्यूज मी, ये जी भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? शादाब, सिर्फ शादाब। ओके। अरे तुम अभी तक कपड़े प्रेस करने नहीं गए? जी जी जाता हूँ। अच्छा पहले दो अच्छी सी चाय बना के ले आओ, इलायची डाल के। जी। और अचानक कैसे आना हुआ? चाय पीने की तलब हुई, बस आ गया। बस चाय पीने के लिए? हाँ वो मैं देखना चाहता था कि प्यारे ठीक से काम करता भी है कि नहीं। क्या मतलब? क्यों मैं नहीं आ सकता? आप नहीं नहीं क्यों नहीं आ सकते हैं आप? वजह तुम नहीं समझ सकती? तो बताते क्यों नहीं? सब कुछ मैं ही बताऊं? नहीं बता सकते? कहना बहुत कुछ चाहता हूं। तो रोका किसने? वक्त ने। मुझे इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सा। जरूर करूंगी। मुझे भी बता दो कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। शायद थोड़ा सा। मैं चलूं? आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कुछ कहना था? हाँ दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस लिए? मैंने जो गलतियां की उसके लिए। गलतियां तो मुझसे भी हुई है। I'm really sorry. I'm sorry too. फिर मिलते हैं। Bye. खुदा हाफ़िज़। तुम्हारी चाय बिरबल की चाय। मंतशा ठीक कह रही थी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। वो क्या है ना, आप लोग बातें कर रहे थे ना, इसलिए मैं साइड में चला गया। थोड़े समझदार हो। डॉक्टर साहब हमारी आपा बहुत अच्छी है। जानता हूँ। सुना है आपकी और आपा की शादी की बात चल रही है। ठीक सुना है। मेरी ये दुआ है कि आपकी शादी मंतशा आपा के साथ ही हो। तुम्हारी दुआ तब पूरी होगी जब ऊपर वाला चाहेगा। वो आपको आपा पसंद है ना? देखो पसंद ना पसंद की बात नहीं है, अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो शादी भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी आपा का दिल मत तोड़ना। मंतशा मेरी बहन है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? नहीं ये बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है आपा की शादी जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिए। मैंने डॉक्टर शराब से बात की, उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। वो आपा को पसंद करते हैं और आपा उनको पसंद करती है। बस बात ये है कि दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए शर्मा रहे हैं। ये तुम कैसे जानते हो प्यारे? मैं दोनों की बातों से समझ गया। तो फिर मैं किससे बात करूं? मेरी मानिए तो आपा से बात कीजिए। कैसी बातें कर रहे हो प्यारे, वो मेरी बहन है, मैं उससे कैसे पूछ सकता हूं? यही तो लफड़ा है, मैं भी नहीं पूछ सकता ना।
डॉक्टर शालाब से मैं बात करूंगा। अब आएगा मजा। हेलो हेलो शादाब, मैं ताहा बोल रहा हूँ। हाँ ताहा, कहो। बिजी तो नहीं हो? अगर बिजी हो तो मैं बाद में फोन करता हूँ। कम ऑन यार, इतने फॉर्मल क्यों बन रहे हो? कहो। शादाब, मैंने उस दिन मंतशा के बारे में तुमसे कुछ कहा था। तुमने सिर्फ मंतशा नहीं, हम दोनों के बारे में कुछ कहा था। हाँ, क्या सोचा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? शादाब, मैं क्या कह सकता हूँ, फैसला तुम्हें करना है। वो तो है, पर क्या मंतशा तुम्हें पसंद नहीं? तो बताते क्यों नहीं? सब कुछ मैं ही बताऊं? नहीं बता सकते? कहना बहुत कुछ चाहता हूँ। तो रोका किसने है? वक्त ने। मुझे इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। जरूर करूंगी। मुझे भी बता दो कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। शायद थोड़ा सा। मैं चलूं? आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कुछ कहना था? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर कहा, तुम मंतशा के बड़े भाई हो। मुझे हाँ कहने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब। अरे आओ प्यारे आओ, बता कौन सी प्यारी सी खबर लाया है। जनाब, इसी नाम की एक बीवी चाहिए मुझे। बीवी छोड़, बेबी के बारे में सोच। बेबी के बारे में? बेबी कौन? बेबी इडियट, तेरी आपा मंतशा बेबी। अरे उसकी कहानी तो खत्म हो गई जनाब। क्यों, मारने का प्लान बनाया है क्या? अरे मारने की क्या जरूरत है उसे। कहानी खत्म कैसे हुई? डॉक्टर शादाब से शादी पक्की हो गई। रियली? इतनी जल्दी? प्यारे नाम है मेरा, हर काम जल्दी करता हूँ। अपने मुंह मियां मिठू, खुद ही तारीफ करेगा अपनी। जनाब कभी कभी तो मौका मिलता है। और शादाब बता क्या तारीख है? तारीख अभी पक्की नहीं हुई। इडियट। अच्छा बहाना है एक भाई को बहन से अलग करने का। जनाब बहाना नहीं, हकीकत है ये। ओ शराब, तेरी तो वही मिसाल है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, छोटे से आदमी को आपने हाथी से तोला। अरे क्वाइट क्वाइट, मैं भी सोच रहा हूँ, तू भी सोच कि अब आगे क्या करना है। आगे क्या करना? हमने चक्कर तो चला दिया, आगे तो नतीजे का इंतजार करना है बस। Yes, of course. ताहा, ताहा, अब तेरा क्या होगा ताहा? ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जिसमें मैं उलझ गया हूं। दिमाग काम नहीं कर रहा, जितना सोचता जाता हूं उतना ही उलझता चला जा रहा हूं। और इस केस में कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिल रहा जिसके जरिए हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। सर, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम कहां जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? रास्ता तो आपको ही निकालना है। जी हाँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं। कब तक लगता है आपको कि रास्ता हाथ आ जाएगा? बहुत जल्द सर, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप तरीका सोचते रहें और बाद में रिजल्ट कुछ और निकले। नहीं, तुमने पुलिस को निकम्मा और कामचोर समझ रखा?
ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो पता चला कि जहां से चला था वहीं खड़ा। एक झटका सा लगा, फिर बहुत सोचा तो अंजाम पे पहुंचा कि मैं हवा में तीर चला। मेरे पास कोई निशाना नहीं था, इसलिए मैं यहां आया हूं कि आप हमें कोई क्लू दे सकें या कोई रास्ता बता सकें। सर, जो खुद रास्ता भटक गया वो किसी को रास्ता क्या दिखाए। देखिए, आप कानून वाले हैं, आपको रास्ता निकालना है कि असली कौन है और नकली कौन है। छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम इस केस को सॉल्व करें। तो क्या तरीका है इस बात को सॉल्व करने का? मेरा मतलब यह है कि अगर इस वक्त आपके सामने कोई मेरा हमशक्ल आ जाए कहे कि मैं ताह, तब आप क्या करेंगे? दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिला के देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये तरीका आप हमारे केस में क्यों नहीं यूज कर रहे? फिंगरप्रिंट्स मैच कीजिए और ये बताइए कि वो असली हारिस है या नकली। आप कभी कभी नासमझ लोगों की तरह बात करते हैं। फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए दोनों फिंगरप्रिंट्स का होना जरूरी है। नकली हारिस के फिंगरप्रिंट्स तो मिल जाएंगे लेकिन असली हारिस के फिंगरप्रिंट्स। हेलो, यस यस यस, नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो, रॉन्ग नंबर। आधार चला, क्या हो रहा था सब? यस यस, नो नो, यस यस, फिर रॉन्ग नंबर, क्या था ये सब? कोई अंग्रेज आदमी था, दिमाग खराब करा था मेरा, इसलिए मैं यस यू नो यस नो यस नो बोल रहा था। जब ज्यादा इंग्लिश बोलने लगा तो मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। उसको मालूम नहीं पड़े ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बहुत चालू है, बहुत पहुंचा हुआ है। सब पहले नहीं था, अभी धीरे धीरे पहुंचना चाहता हूँ। कहाँ? जहाँ आप हो। यानी तू भी हारिस बनना चाहता है? अरे नहीं साहब, शेर का नकाब ओढ़ने से भेड़िया शेर थोड़ी बन जाता है। मैं तो पहुंचना चाहता हूँ। वो क्या है ना साहब, जब मैं सीधा साधा था तो इन लोगों ने मुझे नौकर की तरह रखा। अब आपके साथ मिल गया हूँ तो मैं इनसे बदला ले रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। इसी तरह रहा तो बहुत जल्द तरक्की करेगा तू। साहब, आपकी पूरी क्या है?